क्योंकि हम हार गए। मैम क्या था इसमें, क्या इतना इन्होंने कहा, कोई ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनको। चाचा ने रोना धोना, चाचा चाचा बाबर आजम कहाँ है, चाचा रिजवान अब्दुल्ला, चाचा हसन ने। मैम क्या कहेंगे आज की हार पे आप? बहुत बुरा था। कितनी मायूसी कितनी हुई है? हाँ कितनी मायूस हुई आज, दुख कितना हुआ आज की हार का? बहुत दुख हुआ। बहुत बुरा हुआ। बात तो सुने, क्या कौन है जिम्मेदार शख्स का? मेरा ख्याल इफ्तिखार और रिजवान दोनों, उन्होंने इतना टेम्पो स्लो डाउन कर दिया था कि बाद में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आसिफ अली के साथ के हर दफा वो आगे छह छक्के मारेगा। बहुत ज्यादा मायूसी हुई है और बेसिकली पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बहुत खराब फील्डिंग थी। इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था और दुख बहुत हो रहा है, अभी एक दो दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना बहुत मुश्किल होगा। किसका आपको लगा, किस किस पे आपको आज था? आप तो कह रही थी बाबर भी आज स्कोर करेगा सारे, क्या इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम? ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना। जी जी जी, तो अब क्या आपका क्या आगे प्लान है? आप तो यूरोप से आई हुई थी यहाँ पर, आपको तो कप लेके जाना। नहीं, मेरे घर में जो मेरे दो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑफिस में, घर में जो मेरे लिए काम करते हैं वो श्रीलंका से हैं, मैं उनको भी लेकर आई कि पहली बार आप जाओगे मैच देखोगे। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को टिकट दिखाई कि आप जाएँ श्रीलंका के लिए खेलें, टिकट दिलाई उनको, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त जितने भी हैं मैंने सबको स्पॉन्सर किया। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे लेकिन हार जीते ना, अब क्या कह सकते हैं, आखिर में तकदीर पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मगर मैं देखें ना, आज शदाब चला ना, शदाब ने कैच छोड़े, सीधे कैच थे बिल्कुल हाथ से पकड़ के, अगर वो कैच भी पकड़ लेते हम तो कुछ करीब आ जाते मैच के। तो अब आप ना मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं, सारी चीज़ें याद दिला के। आंसू दे रहे हैं, ये सारे आंसू हैं, ये आप हमें नहीं, आपको हमें नहीं पाकिस्तान से प्यार, हमें भी प्यार है उतना ही, हम भी उतने डिसअपॉइंटेड हैं। आवाम को तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी टिक टॉकर हैं, बेचारी परेशान हैं, आंसुओं के साथ रो रही हैं। मगर अब आपको टीम को हमें क्या बकअप करना चाहिए, या इनको क्रिटिसाइज करें या बाबर को चेंज करें? रोए ना प्लीज़, एक मिनट चुप करें। बाबर को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं इतना कहूँगी कि हम 100 बार भी आ रहे हैं, हमें तो अपनी टीम से प्यार है ना, हम तो फिर भी मैच देखने आएंगे। मैम आपसे तो बात नहीं हो पा रही, अब मैं क्या आपसे, मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, पर आपको मैं पानी दूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम हार गए। ओके बाय। रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है, रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है। इन्हें चाहिए कि इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, इन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म छोटा लफ्ज है, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए और बाबर आजम को तो सबसे पहले निकालना चाहिए। इन 10,000 पाकिस्तानियों के दरमियान मैं अकेला इंडिया की टी शर्ट पहन के रोहित शर्मा विराट कोहली को सपोर्ट करने आया हूं। रवि बिश्नोई सही कहता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का उड़ाना है, सही कहता है। पाकिस्तान की इनिंग आई है 191, एक छक्का नहीं मारा रोहित शर्मा ने, शाहीन अफरीदी को उसके दूसरे ओवर की पहली बॉल पे सिक्स मार के उनका गुरूर तोड़ा है। इंडिया तो बेस्ट है, हर दफा इंडिया बेस्ट होता है, इंडिया से ये लोग अलग ही डर जाते हैं, इनमें वो गटती नहीं है कि ये लोग इंडिया को चेस कर पाए। हमें बिल्कुल नाउमीद कर दिया इन लोगों ने, हर बार हमारा टाइम वेस्ट होता है, हर बार इनसे उम्मीदें लगाते हैं और सिर्फ हम लोग नाउमीद होकर ही घर पे बैठे रहते हैं। लग रही यार इन लोगों ने इतनी प्यारी टीम लेकर गया, दो मैच इतने प्यारे जीते हैं, वो बेशक हार जाते हैं, दो मैच जीते हैं इन लोगों ने, हमारे लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करता है इंडिया के मैच के साथ जीतना, वही जब हार गए तो हमें, अब मेरा तो लिटरली मेरा दिल कर रहा है कि इनको मैं अपने बजट भेजना, इनको मैं टिकट्स भेज के इनको मैं वापस बुला लूँ। यार इन लोगों ने कितनी पथेटिक परफॉर्मेंस की है, बॉलिंग इन लोगों ने क्या किया, चले बॉलिंग छोड़े, बैटिंग पे तो कुछ कर लेते, बैटिंग पे भी इन लोगों ने कुछ किया, जो आ रहा है बॉलें बीट कर रहा है, आउट हो रहा है, जा रहा है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, पर्ची प्लेयर ये लोग साथ में ले जाते हैं, इन लोगों ने इतना लोगों का ना दिल तोड़ने पर रखा हुआ है। अच्छा मोस्टली लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, पहले ही डिसाइड हो गया हुआ था ये मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिक्सिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान ने हरकत कर दी है ना इंडिया से हार के, ये इनको हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आता और मैच भी पाकिस्तान इंडिया का था जो पूरी दुनिया देखती है, और उसी के अंदर आपने परफॉर्म नहीं करना तो यार हमें ऐसा फिर वर्ल्ड कप भी नहीं चाहिए जिससे आप लोग इंडिया से हार जाओ। हम लोग आज तक इंडिया से कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीते, उम्मीद थी कि बाबर आजम की कैप्टनसी में इस बार जीत जाएंगे, लेकिन वो अकेला बैट्समैन क्या कर सकता है, बाबर आजम अकेला क्या कर सकता है, बाकी टीम किधर है, बाकी किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म ही नहीं की है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। पकंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, शर्म कर लो, क्या बोलूंगा मैं इनको, क्या किधर गई आपकी क्लास, किधर गई ओडीआई की नंबर 1 टीम, किधर गया सारा कुछ, अंदर बढ़ गया, खुशी मिल गई है, पता चल गया क्रिकेट में अब्बू कौन है, पता चल गया इंडिया से मुकाबला नहीं है, पता चल गया कि 7-0 को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 होना है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें, कहती हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, घंटा बजा दिया इंडिया ने, बाबर संत निकलो पर, और निकलो, किसी को निपाल नहीं जाने दूंगा आज मैं, किसी को नेपाल नहीं जाने दूंगा, क्या नेपाल के अलावा 150 करने वाला इंडिया के अलावा बैटिंग ट्रैक के ऊपर, अब भाई बैटिंग ट्रैक थी, ये बैटिंग ट्रैक था जिधर इंडिया ने आपके पहचे उड़ा दिए हैं, इस पे 350 बनना था, रोहित शर्मा को पता था कि इनकी औकात ही नहीं है 350 वाली, इनसे 200 नहीं बनना, 350 से क्या करेंगे,
हर बॉलर ने आपके पढ़ाचिया उड़ा दिए हैं। अब्दुल्ला शफी को पता ही नहीं कि सीधे बल्ले से खेलना है, वो क्रॉस मार रहा है। वो इमामुल हक चूतिया, वो एक ड्राइव मार गया, दूसरी बजी मारने लगा। बाबर घंटा 45 और 50 के दरमियान इसने 15 बॉलें ली हैं, 5 रन करने के लिए घंटे ने टुक टुक लगाई रखी है। वो रिजवान, उसकी अकिंग नहीं खत्म होती। उसको तो बुमराह ने बताया, भाई तू बस कर निकल इधर से। अपने आप को सेट करने के लिए, अपने रन बनाने के लिए टीम क्या लगा गए हैं ये। इंडिया ने, मैंने बोला था कल, मेरी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने बोला था जो मैं देख रहा हूं अगर वो आप देख लोगे तो रोगे। शर्म तो आती नहीं ना इनको कि भाई जान हमने पाकिस्तान का नाम इज्जत में लेके आना है, बदनाम करवा दिया भाई। इंडिया ने आपका घंटा बजा दिया, इंडिया ने आपको क्यों कहा दिया, दिलवा दिया आपकी बात की है। आप ये हुआ, आप ना देखो कि हम इंडिया को उनके शेब बत्तर किधर गया जो बातें कर रहा था, किधर गया वो शेब बत्तर है जो बातें कर रहा था अहमदाबाद में इंडिया को हराओ, हीरो बनो, ये करो वो करो। घंटा बजा दिया उन्होंने आपका, आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया है। बाबर आजम नंबर वन बैट्समैन, बाबर आजम का भी घंटा बजा दिया है भाई। न्यूजीलैंड की सी टीम, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, इन जैसों को मार के आप नंबर वन बन जाते हो, मेन टीम के सामने आके आप हक देते हो, आपकी औकात याद आ जाती है। आपकी टिपिकल औकात यही है, आप तो डिजर्व भी नहीं करते कि आप इंडिया के साथ खेलो। अल्लाह की कसम पाकिस्तान टीम डिजर्व भी नहीं करती कि इनको इंडिया के साथ खिलाया भी जाए, खिलाना भी है, डिजर्व नहीं करती खिलाना भाई। इनकी औकात नहीं है। बाबर कह रहा था 350 करेंगे, 200 तो वाले ही क्या।